तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम फिलहाल तो आ चुके हैं रांची, और आए हुए 2-3 दिन हो चुका है, और उसके बाद हम कहीं निकले नहीं थे भाई। तो काफ़ी ज़्यादा धूप था जिसके वजह से हम निकल भी नहीं पा रहे थे, और क्या ही बोले। और अभी क्या इवनिंग का लगभग 5-5:30 हो रहे होंगे, अभी हम निकले हैं राइड पर, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहता है भाई लोग, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप रहता है। तो देखो फिर से हम लोग आ चुके हैं हाईवे वाले रास्ते पे, और क्या मस्त लग रहा है भाई। तो अभी तो सनसेट हुआ नहीं है भाई, आप लोग देखो कैसा लग रहा है आगे का व्यू, पूरा रेड दिख रहा है सूरज। तो फाइनली आज हम इवनिंग में निकले हैं राइड करने के लिए। ऐसे भी दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप रहता है, और कुछ दिनों से तो इतना ज़्यादा धूप लग रहा था कि क्या ही बोले, हालत ख़राब हो चुका था। तो ज़्यादातर फिर हम धूप में निकल भी नहीं रहते, और आज सोचे कि आज इवनिंग में आज राइड करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था हम राइड भी नहीं किए थे कहीं पर। और अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हम लोग अपना बाइक में व्हील कवर इंस्टॉल किए थे, तो उसमें कुछ स्टिकर वर्क होना बाकी था, वो चीज़ हम सारा कुछ करा चुके हैं, बट उस सबका हम ब्लॉग नहीं बना पाए, मतलब बनाए नहीं भाई उन लोग का ब्लॉग, क्या बनाते छोटा सा ब्लॉग। तो स्टिकर वर्क हो चुका है अपनी बाइक पे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा स्टिकर हुआ है। जब आप लोगों के पे वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और फिलहाल तो अभी हम सोलो ही हैं, देख लो पीछे कोई नहीं दिख रहा है, हम अकेले ही राइड कर रहे हैं अभी। और पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा होगा, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। नाइन्टी हंड्रेड के स्पीड में ही इसका पूरा ढकेलने लगता है हमको पीछे, पता नहीं कभी इसको हम 140 या इसका टॉप स्पीड चेक कर पाएंगे या फिर नहीं। बट भाई आजकल कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डर सा हो गया है, और ज़्यादा हम भगाने का आजकल सोचते भी नहीं है भाई, 80-90-100 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी का ऐसा मतलब सिचुएशन ही चल रहा है। आप यूट्यूब अगर स्क्रॉल करते हो ना तो बस एक्सीडेंट वगैरह हाई स्पीड वैसे ही चल रहा है अभी यूट्यूब पे, तो देख देख के थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो चुका है, और ज़्यादा स्पीड चलेंगे नहीं, बस नॉर्मल 80-90 का स्पीड पे ही चलेंगे। बाइक थोड़ा बबल कर रहा है अपना, और इवनिंग में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि अभी वेदर भी थोड़ा कूल हो रहता है, पूरा ठंडा ठंडा, और राइड करने में मज़ा भी आता है। ऐसा मौसम में तो भाई आप सुबह ही राइड करो या फिर इवनिंग में ही राइड करो। और अभी 5:37 हो चुका है, अभी का वेदर आप देखो पूरा मस्त, पूरा कूल लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा है, और राइड करने में मज़ा भी आ रहा है। और अभी तो सनसेट हुआ नहीं है भाई, अभी काफ़ी टाइम है सनसेट होने में, और फ्यूल तो है अपनी बाइक पर, अभी फ्यूल करने की ज़रूरत नहीं अभी है भाई, 3-4 सेल है अभी हो जाएगा। और हमको इस बाइक का माइलेज टेस्ट भी करना है भाई, तो कभी इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे, पता नहीं कितनी देती है माइलेज। सब कोई तो बोलता है 35+ ही देता है, बट हमको लगता नहीं है कि 35+ देता होगा, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट सर्विसिंग ही हुआ है, और ऐसा हम कभी प्रॉपर माइलेज टेस्ट किए नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा फ्यूल डलाते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि कितने का माइलेज दे रही है अपनी बाइक। तो आप लोग अगर कमेंट करते हो तो इसका माइलेज भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारों का वीडियो देखे हैं भाई, तो कभी 40+ बताता है, कभी 50 पहुँचा देता है भाई, क्या ही बोलना। तो जब तक हम इसको खुद से माइलेज टेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि कितना माइलेज दे रही है। हमको तो बस इतना अंदाज़ा हो सकता है कि भाई 25+ ही देता होगा, 25 और 30 के बीच में ही देता होगा। क्या रोड लग रहा है भाई पूरा है। आज इधर थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं, तो पीछे से ही यू टर्न ले लेते थे। अरे चचा वो कहाँ कर रहा है भाई बीच रोड पर, देख रहे हो आप, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, लोग तो फिर बोलेगा कि बाइकर का गलती था, ऐसा बीच रोड में घुस गया है। हाँ तो भाई लोग बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, हम थोड़ा सा पीछे से यू टर्न ले लेते थे, बट कोई नहीं, आज चलो आगे ही चलते हैं, देखते हैं आगे का रोड कैसा है। अपनी बाइक का साउंड भाई लाजवाब है, क्या साउंड करती है अपनी बाइक। अब इतने दूर आने के बाद भाई मन तो कर रहा है कि धुरुआ चले जाए, धुरुआ डैम, तो चलो बॉय आज धुरुआ डैम चला जाए, आज धुरुआ डैम का भी मज़ा लिया जाए। यार रोड है भाई इधर तो मज़ा आ रहा है, और देखो अभी सूरज जस्ट हम लोग का आगे है, तो हम लोग सही टाइम पे पहुँचेंगे भाई, सनसेट होगा और हम लोग सही टाइम पे पहुँचने वाले हैं। मस्त लग रहा है भाई रोड इधर का, भगाते हैं भाई थोड़ा सा बाइक को,
तो शायद यहीं से जाना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पे अपनी बाइक को आप लोग देख लियो, तो अपनी बाइक का स्टिकर जो हुआ है हम दिखाते हैं आप लोगों को। अरे आगे करो भाई, तो ये देखो बस स्टिकर वर्क हो रखा है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, कुछ एकरा पोबिक का बस लिखवाए थे। और ये रहा यहाँ का, देखो कैसा लग रहा आप लोग बताओ कमेंट करके। बाइक पूरा हीट हो गया है, क्यों? हाँ नीचे से जैसे, तो उनको खुटी जाना है तो वही पूछ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताओ। और यहाँ से हम लोग को नीचे जाना है धुरुआ के लिए, धुरुआ डैम के लिए, और हो सके तो भाई विधानसभा भी चलेंगे भाई अब तो। इधर से अपने को लेना है राइट भाई, अरे खतरनाक आवाज कर रहा है अपनी बाइक तो। वाओ, तो फाइनली बॉयज हम लोग आ चुके हैं धुरुआ डैम, और अभी यहाँ धुरुआ डैम का भाई इवनिंग का जो क्राउड रहता है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है। अभी तो सूरज बहुत ऊपर है भाई, तो सनसेट होने में भी टाइम भी लगेगा। ओ भाई साहब पब्लिक रिएक्शन, ओ भाई साहब धुरुआ डैम का तो वाइब ही अलग है भाई इवनिंग में। तो आप लोग देख सकते हो भाई एक बार में एक ही कार क्रॉस हो सकता है, और अगर आगे से कार आता है तो फिर रुकना पड़ जाता है। मस्त लग रहा है भाई, सनसेट अभी होने वाला है, तो हम लोग रुकेंगे नहीं, चलो चला जाए आगे। अरे भाई साहब यहाँ पे तो रोड पे ही लगा दिया है, और अपनी ड्रीम कार फॉर्चूनर। चलो फाइनली अपने को साइड मिल चुका है भाई, हम लोग निकल चुके हैं। अरे भाई ये कहाँ था, अचानक से डर गए भाई हम तो, इतना ज़्यादा भीड़ भाई, संडे के दिनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता होगा। तो फाइनली भाई हम लोग धुरुआ डैम से निकल चुके हैं, और अभी जाते हैं चलो अब विधानसभा की ओर ही हो चलते हैं भाई। तो फाइनली बॉयज हम लोग आ चुके हैं अभी विधानसभा वाले रोड पे, और इधर से हम लोग अंदर घुस चुके हैं, तो चलो चला जाए पीछे की ओर, क्योंकि पीछे का भाई उधर का व्यू जो हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। और आप ये देखो दोनों साइड पूरा ग्रीन ग्रीन कैसा लग रहा है बताओ। तो यहाँ पे लगता है पेड़ लगा हुआ है या छोटा छोटा पौधा लगा हुआ होगा, फूल वगैरह, अच्छा लग रहा है भाई दोनों तरफ देखने में। चलो पीछे तरफ चला जाए फिर रील्स वगैरह भी शूट करेंगे। और इधर हम पहली बार आ रहे हैं, इधर से चेक करो भाई कैसा लग रहा है विधानसभा। तो विधानसभा का पीछे साइड है, और इधर हम पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा भाई इधर आके। तो बाइक का रील्स वगैरह शूट करते हैं भाई, फिर यहाँ से आप लोग से मिलते हैं, यहाँ से निकलते हैं उसके बाद। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं विधानसभा से अभी सिटी पे, और उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो फिर ज़्यादा उधर रुके नहीं, तो डायरेक्ट अभी आ चुके हैं सिटी पे, और इधर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पता नहीं यार नाइट में गोप्रो का व्यू कैसा आ रहा होगा आप लोगों को। वैसे भी फिर मेरा वाइजर जो है हेलमेट का वाइजर वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है भाई, तो हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है, पर अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, तो ज़्यादा ब्लॉक को लंबा खींचेंगे नहीं। तो अभी अपने यहाँ पे लड़ाई चलेगी भाई ट्रैफिक से, भाई यही कारण है कि हम ज़्यादा सिटी में राइड नहीं करते हैं भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, देखो देख रहे हो आप, मतलब हमको डर लगने लगता है कि कहीं हमको कोई ना ठोक दे भाई, कोई सटा ना दे बाइक। तो भाई लोग हम अपने बाइक में कुछ कुछ ग्राफिक्स मतलब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने का सोच रहे हैं, तो पता नहीं वो आप लोग आने वाले टाइम पर दिखेगा। चलिए भैया
बस यही कारण है भाई कि हम ज़्यादा सिटी में राइड नहीं करते हैं भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा कि आप क्या ब्लॉक करोगे। तो कैसा लगा आप लोगों को भाई ब्लॉक कमेंट करके बताना, और व्हील कवर पे जो छोटा मोटा स्टिकर वर्क हो रखा है वो कैसा लगा आप लोगों को, तो ज़रूर से आप लोग कमेंट करके बताना। और हो सके तो हम आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हम बाइक में करने वाले हैं भाई, तो भी दिखाएंगे और अपनी 350 को थोड़ा सा यूनिक बनाने का कोशिश करेंगे भाई। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा भाई लोग। तो चलो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।